मेंटेनेंस वर्ल्ड में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे इन्वर्टर के कनेक्शन घर पे ही खुद कैसे कर सकते हैं बिना किसी इलेक्ट्रिशियन के हेल्प से। ये माइक्रोटेक का एक UPS है हमारे पास, इसका बैक पैनल है, तो कनेक्शन उसके शुरू करते हैं। तो दो वायर होंगे हमारे पास UPS से निकले हुए, पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल को हम जोड़ देंगे नट बोल्ट की हेल्प से, किसी एडजस्टेबल से इसको हमें टाइट कर देना है, ठीक है दोस्तों। स्पैनर वगैरह कुछ भी ले सकते हो। ये निगेटिव का टर्मिनल है, इसे ब्लैक वायर हमें कनेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये स्पार्किंग आपको दिख रही है लेकिन ये डेंजरस नहीं है, तो क्या घर पे हम ये कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, कुछ डरने वाली बात नहीं इसमें। तो ये मेन इनपुट हमारा इन्वर्टर को आ रहा है, ये मीटर से आने वाला इनपुट है जो पॉजिटिव और निगेटिव हम दे रहे हैं। बिल्कुल इसे टाइट रखें जैसे मैं कर रहा हूँ, खींच के देखिए निकल गया, सॉरी दोस्तों, फिर एक बार लगाते रहते। तो ये हो गया डन। तो एक पिन लीजिए कोई भी, ये UPS का आउटपुट है जिसे हमें चेक करना है कि इसमें फेज कौन सी साइड में आ रहा है। तो एक पिन से हमें उस वायर को जोड़ देना है, पहले देख लेते हैं इसमें भी फेज कहाँ से आ रहा है, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट और राइट साइड में चेक करना है, तो राइट साइड को हमारा फेज आ रहा है, उसी साइड को हमें पिन में वो वायर जोड़ना है ताकि हम उससे आउटपुट निकाल सकें। तो ये काम आपको बाद में करना है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे आखिरी में आपको ये पिन लगा देना है, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंगल आउटपुट हमने यहाँ से निकाल लिया है दोस्तों, चाहे आप बोर्ड में दो ऐसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या सीधा MCB को दो। ये इसका इनपुट रहा, बैटरी से चार्ज होंगी। तो ये जो बड़ा वाला वायर दिख रहा है ये मेन फेज मीटर से आया हुआ, इसे हमने जोड़ दिया है UPS के इनपुट में, ठीक है दोस्तों। अभी जो कनेक्शन किए उसका वायर है एक रेड और एक ब्लैक, फेज और न्यूट्रल, ठीक है दोस्तों। वैसे आपको कनेक्शन करने हैं, तो इसको कर लिया इंसुलेशन टेप से कवर, तो सेफ्टी ज़रूरी है पहले दोस्तों। तो ये जो वायर है जो UPS का आउटपुट है, जो पिन हमने लगाई थी वहाँ से आ रहा है, हम किसी बोर्ड में नहीं दे रहे, सीधा इसको दो MCB में दे रहे हैं, जो एक है बेडरूम का और एक है हॉल के लिए। तो इसको लूप करके हमने दूसरे MCB में डाल लिया है। तो इस कनेक्शन को कर देते हैं टाइट, तो जब भी लाइट चली जाएगी इस दोनों रूम का जो सप्लाई है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये जो दिख रहे हैं ये कॉमन न्यूट्रल है पूरे घर में ब्लैक वायर। ये जो बड़ा वाला है ये मेन इनकमिंग, ये जो छोटा वाला वायर है UPS का इनपुट है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है ये UPS से आउटपुट आके ये MCB में हमने लूप करके उसको दे दिया है दोनों MCB में, ठीक है दोस्तों। तो आप भी इसको कर सकते हैं। और इसके आउटपुट साइड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके आउटपुट हॉल के लिए बेडरूम के लिए जा रहे हैं, इससे कोई भी छेड़खानी नहीं करनी हमें, ठीक है दोस्तों। तो ये जगह है हमने बैठ के वहाँ पे काम किया था, काम के लिए करना पड़ता है दोस्तों, इसको हम बाद में करेंगे क्योंकि लॉकडाउन है तो कुछ सामान नहीं मिल पाया अभी। तो पहले इस कवर को लगा देंगे, वायर को अच्छी तरह से अंदर डाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कस्टमर जो हमारे बहुत उतावले हो रहे हैं, पहले उन्होंने बटन दबा दिया। ये मेन सप्लाई अभी चालू है, आप देख रहे होंगे फैन घूम रहा है, बाकी की लाइट भी जैसे मेन पे चालू होती है वैसे चालू होंगे। तो इन्वर्टर पे कैसे चालू होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेन इनकमिंग सप्लाई हमारा, मैं उसको कर रहा हूँ बंद, मतलब कि लाइट गई है, ये दिखाने के लिए है। तो ये फैन यहाँ पे चालू हो गया है, ये सब लाइट यहाँ पे चालू हो गया है, ये हो गया हमारा पूरा काम अभी कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेंटेनेंस वर्ल्ड को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। तब तक के लिए गुड बाय।